मुझे सम्मान्य सचिन पायलट साहब के साथ 5 साल तक लोकसभा में काम करने का मौका मिला है। हम दोनों साथ साथ सेंटर में मिनिस्टर रहे हैं और कांग्रेस ने उनको 2004 में सांसद बनाया, 2009 में उनको मंत्री बनाया सेंटर में, और 2013 में वो राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष बने, 2018 में वो राजस्थान के डिप्टी सीएम बने। उनको सरकार में और संगठन में दोनों में काम करने का खूब मौका मिला और उनको जितना कांग्रेस ने दिया और किसी को भी नहीं दिया। आज जो घटनाक्रम हो रहा है, जो कुछ वो कर रहे हैं, वो इस समय उनको नहीं करना चाहिए था। 5 साल तक बहुत ही साथ कंधा से कंधा मिला करके राज करते, राजस्थान की जनता का विकास करते, और 5 साल का मौका मिला था उनको कि राजस्थान विधानसभा के MLA के साथ काम करने का, राजस्थान प्रदेश कांग्रेस में AG अध्यक्ष, पूरी राजस्थान के कांग्रेस के साथियों से साथ काम करने का, सबसे हिल मिल करके काम करते, ज़्यादा से ज़्यादा राजस्थान का विकास करते तो और भी अच्छा होता। ये जो घटनाक्रम अब हो रहे हैं, ये प्रदेश के हित में भी अच्छे नहीं है और पार्टी के हित में भी अच्छे नहीं। इसी है कि पायलट साहब ने मेहनत की है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनी थी अशोक जी गहलोत की वजह से। आज खंडेला विधायक श्री महादेव सिंह जी द्वारा राजस्थान के राजनीतिक घटनाक्रम के संबंध में प्रेस वार्ता की गई, जिसमें उनके द्वारा एक बयान जारी किया गया कि कांग्रेस पार्टी उनकी माँ है, कांग्रेस में उनकी पूर्ण निष्ठा है, और पायलट साहब के लिए वो कह रहे हैं कि पार्टी ने उनको बहुत कुछ दिया है। मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि ऐसी नसीहत देने से पहले उनको खुद के गिरेबान में झांकना चाहिए। 2008 में पार्टी ने उनको विधानसभा का टिकट दिया, चुनाव हार गए। 2009 में चुनाव हारने के बावजूद उनको लोकसभा का उम्मीदवार बनाया तथा केंद्र में मंत्री भी बनाया। ये एक अलग बात है कि खुद के कारनामों की वजह से उनको मंत्री पद गंवाना पड़ा। 2013 में उनके बेटे को टिकट दिया गया, वो भी चुनाव हार गया। 2018 में बार बार चुनाव हारने और श्री राहुल गांधी जी द्वारा युवाओं को आगे लाने के उद्देश्य से राजस्थान में काफ़ी युवा साथियों को टिकट दी गई, जिसमें से खंडेला में मुझे टिकट दिया गया। मैं इन निष्ठावान विधायक महोदय से पूछना चाहता हूँ कि उस समय आपकी पार्टी की निष्ठा कहाँ चली गई थी। 2018 में जब आपने कांग्रेस के खिलाफ चुनाव लड़ा, कांग्रेस के खिलाफ आपने प्रचार किया, ये 6 विधायक जो बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर चुनाव जीत कर आए थे, कांग्रेस उम्मीदवारों के विरोध के आधार में ये लोग चुनाव जीत कर आए थे, लेकिन इन्होंने 6 की 6 ने बहुजन समाज पार्टी छोड़कर कांग्रेस ज्वाइन कर ली थी, और ये आज कांग्रेस पर, कांग्रेस के उन विधायकों पर गद्दार होने का आरोप लगा रहे हैं जिन्होंने अपने हक और अधिकार की लड़ाई की थी। तो इस विषय में मेरा ये कहना है कि सबसे बड़े गद्दार तो यही लोग हैं, क्योंकि इन लोगों ने जो है अपनी मात्र पार्टी बहुजन समाज पार्टी को छोड़कर कांग्रेस ज्वाइन कर ली थी पद के और लालच में। तो मेरा तो इतना ही कहना है कि जो लोग अपनी बहुजन समाज पार्टी के साथ जिन लोगों ने दगा किया, वो अपनी पार्टी के नहीं हुए, तो वो दूसरे दल से कैसे वफा की उम्मीद कर सकते हैं।